सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सारपी को हम अप डाउन कैसे चलाएं, मतलब दो सारपी नीचे दो सारपी ऊपर, ऐसा कुछ अगर हम चलाते हैं DMX से तो हम कैसे चलाएंगे, जो कि इस वाले वीडियो में मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ। तो जैसे कि कनेक्शन वगैरह सारा चीज़ हमने कर लिया है, और अगर आप नहीं जानते हैं कनेक्शन करना, फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पूरा कनेक्शन के ऊपर, बेसिक जानकारी भी उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप उस वाले वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे और हम बात करेंगे कि DMX से हम सारपी को जो है अप डाउन कैसे चलाएंगे, मतलब दो सारपी नीचे और दो सारपी ऊपर, मतलब ऐसे कुछ इस टाइप से कैसे हम चलाएंगे, जो कि आपने इंट्रो में भी देखा होगा कि इस टाइप से सारपी चल रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे और आपको दिखाते हैं और कि कैसे हमें चलाना है। तो जैसा कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो जैसे कि प्रोग्राम हम बना रहे हैं 102 में, मतलब दूसरे में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारा जो DMX है वो 001 में है, मतलब 001 में सेट है, और हमने यहाँ पर एक नंबर दबा दिया है। देन आपको सारपी का जो लाइट है उसे ऑन कर लेना है, उसके बाद सारपी को हमें ऊपर कर लेना है, जो कि आप सारपी देख सकते हैं ये हमारा ऊपर हो चुका है। और अब हम इसे इसको रिवर्स करना है, तो जैसे कि देखिए अप डाउन जब हम कर रहे हैं ना, मतलब ऊपर नीचे जब हम कर रहे हैं, तो चारों सारपी एक साथ हो रहा है, मतलब चारों सारपी एक साथ हो रहा है, इसको हमें करना है एक सारपी को, मतलब दो सारपी को ऊपर और दो सारपी को नीचे। तो हम कैसे करेंगे, चलिए हम सारपी में चलते हैं, मतलब सारपी को आपको दिखाते हैं और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि सारपी को जो सारपी का जो सेटिंग है वहाँ से हमें दो सारपी को रिवर्स कर देना है। कैसे करना है चलिए हम आपको सारपी के सेटिंग के ऊपर दिखाते हैं। तो जैसा कि ये सारपी है और सारपी अभी रनिंग कंडीशन में है, तो हमें सारपी का जो ये बटन होता है इसको प्रेस करना है, उसके बाद देखेंगे एड्रेसिंग रनिंग टेस्ट डिस्प्ले एडवांस इन्फो इन्फॉर्मेशन, तो हमें एडवांस में जाना है, तो इसको हम घुमाएंगे, एडवांस में आ चुका है, क्लिक करेंगे एक बार इसको करेंगे, तो यहाँ पर टिल्ट इन्वर्ट दिया हुआ है, इन्वर्ट टिल्ट इन्वर्ट ऑफ दिख रहा है, ऑफ प्रेस करेंगे, सारपी चला गया पीछे, ये देखिए सारपी चला गया पीछे। और इसके बाद ना हम उसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, तो अगर हम चारों अगर इस टाइप से लगाते हैं ना स्ट्रेट में, मतलब सीधा लगाते हैं चारों सारपी, तो हम उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें दिखेगा। तो चलिए आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, तो मैं लास्ट वाले सारपी में आ गया हूँ और यहाँ पर एडवांस में जाएंगे, टिल्ट इन्वर्ट में जाएंगे, इसको ऑन कर देंगे, सारपी चला गया पीछे देख सकते हैं, तो ये सारपी पीछे चला गया। अब हम आ जाते हैं DMX में, तो अब हमारा जो प्रोग्रामिंग रहेगा उसे हम करेंगे फटाफट से। तो जैसे कि चार नंबर से अब देखिए अप डाउन होगा, सारपी जो है ना ऊपर नीचे होगा, दो ऊपर दो नीचे, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, कोई भी देखेगा तो अच्छा लगेगा। और अगर क्रॉस चलाना है, अगर सारपी को क्रॉस चलाना है तो वो होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, इस मतलब कि सारपी का जो सेटिंग रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अप डाउन, तो अप डाउन का हमें करना है चार नंबर से, पहले ये नीचे हो गया, उसके बाद हमें ऊपर करना है, पूरा ऊपर कर देंगे और दबाएंगे मीडिएट वन, नीचे करेंगे मीडिएट दो, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे इतना में, और मीडिएट तीन दबाएंगे, फिर नीचे करेंगे मीडिएट फोर दबाएंगे, और उसके बाद इसको ना थोड़ा सा इतना ऊपर में ले जा करके, उसके बाद हम दो नंबर से इसको ऐसे घुमाएंगे, पूरा एक राउंड घुमाएंगे, है ना, एक राउंड घुमाने के बाद इतना घुमा सकते हैं, और इसमें दबाएंगे हम मीडिएट पाँच,
उसको नीचे करेंगे मीडिएट 6, और ये एक छोटा सा साधारण जो है हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया है। और इसको हम प्रोग्रामिंग प्रेस करेंगे, ब्लैकआउट लिखा हुआ है ब्लैकआउट कर देंगे, तो हमें DMX बंद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम ऑटो डेल दबाएंगे, 102 नंबर में हमने बनाया था, 102 नंबर में हमने कर दिया है। स्पीड हम बढ़ाएंगे, देख सकते हैं जैसे हमने बनाया था ना वैसे ही चल रहा है। और मान लीजिए इसको क्रॉस चलाना है ना, ऐसे अगर चलाना है क्रॉस चलाना है तो उसका भी सेटिंग है, कुछ नहीं करना है। जैसा ही आपका प्रोग्रामिंग है वैसा ही प्रोग्रामिंग रहेगा। और ये अभी शार्पी चल रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ इसको कुछ नहीं करना है। ये वाला शार्पी रिवर्स था तो इसके जगह में ना ये वाला शार्पी रिवर्स करना है और उसको आगे कर देना है। तो इस शार्पी को हम आ गए यहाँ टिल्ट इन्वर्ट में और टिल्ट इन्वर्ट को ऑफ कर देंगे और उसके बाद ये वाला शार्पी को हम रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ से एडवांस में जाएंगे और टिल्ट इन्वर्ट को ऑन कर देंगे। इसको कहने का मतलब एक शार्पी को छोड़ के इसको और इसके बाद इसको, तो आप देखिए ये ना क्रॉस में चलेगा, देखिए कुछ इस टाइप से चल रहा है और काफ़ी अच्छा देखने में भी लगेगा आपको। जब आपस में आएगा ना तो ये क्रॉस चलने लगेगा, देखिए ऐसा क्रॉस चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस चला के दिखाता हूँ। ये अभी थोड़ा उतना अच्छा खासा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम आ गए हैं फिर से और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आने के बाद ये देखिए ये जो हमारा शार्पी है ना बीच में क्रॉस हमारा बन चुका है। तो कुछ इस टाइप से हम इसको इस टाइप से क्रॉस कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए क्रॉस हो चुका है और इसको हम क्रॉस में भी चला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ चला सकते हैं। तो ये क्रॉस में चलाने का, इस टाइप से आप क्रॉस चला सकते हैं। तो इसका भी प्रोग्रामिंग बना लेते हैं सेम ऐसा ही। तो हम चलेंगे तीसरे बैंक में चल जाते हैं, उसके बाद 4 नंबर के ऊपर करेंगे फुल मीडिएट 1, 4 नंबर को नीचे करेंगे मीडिएट 2, 4 नंबर को फिर से हम आधा जितना रहेगा ना आधा करेंगे और मीडिएट 3 दबाएंगे, उसके बाद फिर नीचे कर देंगे मीडिएट 4 दबाएंगे, उसके बाद इसको ऊपर करने के बाद इसको और हम घुमा लेते हैं, मतलब इसका जो साइड है उसको चेंज कर लेते हैं, जो ये साइड है ना ये साइड, तो इसको हम कर लेते हैं। तो इसको ऐसे घुमा लेते हैं और मीडिएट 5 और इसको फिर से रिवर्स कर देते हैं मीडिएट 6। तो एक छोटा सा ना आपका प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया। इसको फुल ऐसा भी कर सकते हैं मीडिएट 7 और लास्ट में एक और मीडिएट 8 हो गया। प्रोग्रामिंग दबाएंगे और ब्लैकआउट करेंगे, फिर से हम ऑटो डेल दबाएंगे और बैंक 1 में है तो 2, 3 तीसरा में हमने सेलेक्ट किया था। अब स्पीड को हम उठाएंगे, स्पीड को उठाते जाएंगे जब तक शार्पी मूविंग ना करे। देख सकते हैं तो ये हो चुका है हमारा क्रॉस में चलना स्टार्ट। तो शार्पी क्रॉस में चल रहा है, मतलब जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और भी बहुत सारा तरीका है जो आप चला सकते हैं, आप बस जो है डिज़ाइन चेंज करते रहिए। इसमें कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं,
जो कि इसको फिर से हम बंद करते हैं, प्रोग्रामिंग दबाएंगे। उसके बाद जो है आपको कलर चेंज करना है, तो एक नंबर से आपको कलर चेंज करना है। तो एक नंबर से कलर, जो भी कलर आपको लेना है, जैसे येलो कलर जो आपका है, पीला कलर, इसको हम ले लेते हैं और पेज को दबाएंगे, फिर से नौ में आ जाएगा। उसके बाद चार से हम इसको जो है ऊपर नीचे करके इसका प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर नौ नंबर में कर दिया है पेज को दबा करके, अब चार नंबर से इसको हम अप डाउन करेंगे, मीडिएट वन, मीडिएट टू, और उसके बाद अब इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं इतना में, और इसको दबाते हैं मीडिएट तीन, और दो नंबर से इसको हम घुमाएंगे थोड़ा ऐसा घुमा करके, और हमें दबाना है मीडिएट फोर, इसको नीचे करेंगे, मीडिएट फाइव, थोड़ा सा इसको और कुछ इस टाइप से कर देते नीचे, जो कि थोड़ा और एरिया कवर करे, ज़्यादा ज़्यादा ऊपर ना जाए हमारा लाइट। इतना में करने के बाद दो नंबर से हम और मतलब यूज़ करेंगे, तो जो ये हमने चार नंबर को किया ना, इसको मीडिएट सिक्स दबा करके इसको इतना में हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर को जब हम घुमाएंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। तो फुल यहाँ तक घुमाने के बाद फिर से हमें दबाना है मीडिएट सेवन, उसके बाद इसको नीचे करना है। तो हम यहाँ पर देखिए 701 तक पहुँच गए हैं, मतलब 7 तक हमने दबा दिया है, तो मीडिएट 8, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा एक प्रोग्राम बन चुका है, मतलब एक बैंक में हमारा प्रोग्राम बन चुका है। प्रोग्राम को हम दबाएंगे, ब्लैकआउट करेंगे, तो हमारा जो है 101 में ही बना है। तो हम यहाँ पर ऑटो डेल दबाएंगे, और उसके बाद ये जो स्पीड है इसको उठाएंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा सारपी जो है वो काफ़ी अच्छा येलो कलर में रनिंग हो रहा है, जो कि क्रॉस डिज़ाइन में हमारा रनिंग हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आप प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपका ये कंप्लीट है और आपको प्रोग्रामिंग बनाना है, तो जैसे प्रोग्रामिंग आपने प्रेस किया, तो आप इसी में प्रोग्रामिंग मत बना दीजिएगा, मतलब कि 101 में ही मत बना दीजिए। मान लीजिए आपने 101 में बना लिया है, तो यहाँ से 102 में बनाइएगा, फिर इस 102 में बना लीजिएगा, उसके बाद 103 में बनाइएगा, उसके बाद 104, उसके बाद 105, उसके बाद 106, ऐसे जाते जाते आगे जितना भी आप जाएंगे उतना नंबर तक आप बनाते रहें, तो आपका बहुत सारा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। उसके बाद चेस वन, चेस टू, चेस थ्री, इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे, मतलब चेस वन में हम कैसे सेट करेंगे। जितना भी आपका बैंक में बना रहेगा, मान लीजिए आपने 10 बैंक आपने प्रोग्रामिंग बना रखा है, आप चेस वन में इसको डाल दीजिए, आपका सारा चीज़ कंप्लीट। चेस वन को दबाइए, सारा रनिंग होगा पूरा, ऑल टोटल जितना भी आपने प्रोग्रामिंग बना रखा, मतलब बना के रखे होंगे। मान लीजिए इसमें क्रॉस वाला डाल दीजिए, इसमें कलर डाल दीजिए, इसमें ब्लिंक डाल दीजिए, इसमें और भी बहुत सारा डिज़ाइन डाल दीजिए, तो इसको दबाते हैं तो जो भी आप इसमें डालेंगे वही चलेगा, इसमें जो डाले होंगे वही चलेगा, तो बैंक का लफड़ा ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारा चीज़ जो है DMX में भी काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको गोगो प्रिज्म के ऊपर मैंने आपको बताया था कि गोगो प्रिज्म कैसे यूज़ किया जाता है DMX में, तो DMX में भी गोगो प्रिज्म यूज़ किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा काम होता है। मतलब गांव के लिए, या फिर आप नए हैं, या फिर आप उतना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि पायलट अगर आप लेंगे तो 20,000-25,000 का आपका पायलट मिलेगा, तो आप इस टाइप के सारपी में आप इस टाइप का DMX, जो कि आपको लगभग 2,500-2,800-3,000 रुपये का DMX मिल जाएगा, इससे भी और अच्छा क्वालिटी का DMX आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसा आपका बजट है वैसा आप DMX ले सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? क्रॉस में चलाने का वही तरीका है कि आप सारपी का जो सेटिंग है उसको आप चेंज कर दीजिए, मतलब जो आपका इनवर्ट टिल्ट जो होता है ना, सारपी जो रिवर्स होता है, दो सारपी को रिवर्स कर दीजिए, तो आपका जो है क्रॉस डिज़ाइन में चलने लगेगा।
बस इतना ही है आपका सेटिंग वगैरह, और कुछ भी नहीं करना है फिलहाल। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दे दिया है, सार्पी का पूरा कनेक्शन, सार्पी का गोगो प्रिज्म कैसे चलाते हैं वो भी, और ये आपका वीडियो हो चुका है। और इस वाले सार्पी को सेल भी करना है तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है कि ये वाला वीडियो देखते देखते सार्पी बिक भी गया हो, तो आप नीचे देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।